तो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस एज एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता होगा, और वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और KYC कंप्लीट कैसे करते हैं, सिंपली मैं आज आपको इस बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो के अंदर जरूर देखें और चैनल पर नहीं होना गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मेरे वॉइस पर अगर थोड़ा सा आपको हॉट बॉडी से सुनाई दे रहा है तो इसके लिए मैं आप करना, क्योंकि गाइस मैं बहुत दिन से अगर मेरे को बुखार है तो दो तीन दिनों से मेरे को बुखार है, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ पूरा पूरा, लेकिन आपके लिए वीडियोज बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़ो, और दो तीन दिन लगेगा मेरे को पूरा कंप्लीट ठीक होने में। तो फिर चलते हैं वीडियो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले आपको बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन पर। आप अपने ऐप को अगर यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, अगर एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो फिर आपको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस बाइनेंस पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर भी ऐप में डालना चाहिए, और दूसरा है बैंक पासबुक, बैंक पासबुक आपके पास रहना चाहिए, और तीसरा है आपका पैन कार्ड। ये तीनों चीज़ें आपके पास मस्ट रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ को आप लाके अपने पास में रखिए, उसके बाद काम अपना शुरू करें। तो ये तीनों चीज़ को आपको सबसे पहले स्टेप पे तीनों चीज़ों को अपने पास में से रख लेना है, और दूसरा स्टेप में आपको ओपन करना है अपना बाइनेंस एप्लीकेशन। बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पे साइड पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। तो क्या सबसे पहले आपको अपना बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर दोनों पूछेगा। आप जिस भी माध्यम से आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि मैं ईमेल के माध्यम से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी सिंपली दे देना है, और नीचे का जहाँ पे रेफरल कोड है, अगर आपके पास रेफरल कोड होगा तो आप देना, वरना स्किप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ईमेल पे आपका ओटीपी जाएगा। और आप ईमेल के थ्रू अगर वेरीफाई करते हो तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा, और आप मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई करते हो तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को सबसे पहले आपके मेल सेक्शन से लेके आना है, अपने मोबाइल के एसएमएस सेक्शन से लेके आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, मतलब ओटीपी डाल लेने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अगर उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और तो पासवर्ड आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है हमें कि 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, और उसमें एक स्पेशल केस ऐड करना है, उसमें एक नंबर ऐड करना है, और उसमें कैपिटल भी ऐड करना है, कैपिटल लेटर। यानी कि मान लो कि मैं पासवर्ड अगर दूंगा Bijay123, तो बी का फर्स्ट लेटर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर जो भी आप बड़ा कर सकते हो लेटर एक बड़ा होना चाहिए, उसके बाद एक नंबर ऐड होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल केस यानी कि $$ वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस पासवर्ड सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड ऐसा कुछ आप पॉपअप शो कर जाएगा, जैसे आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो उसके बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। तो बस ये हो गया आपका अकाउंट कंप्लीट, अकाउंट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो बस ये हो गया अकाउंट क्रिएट होने के बाद। अभी करते हैं KYC। KYC इज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सेट। KYC अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो फिर गाइस आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर पाओगे और आप इनकम भी जनरेट नहीं कर पाओगे। तो वो सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं KYC। तो KYC करने के लिए आपको सिंपली ओपन करना है बाइनेंस एप्लीकेशन। फिर से ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऊपर में एक वेरीफाई वाला आइकन दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट देख सकते हो। वेरीफाई वाला आइकन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। बहुत ही स्टेप से भाई, ये आपको 2-3 मिनट के अंदर ही बता दूंगा। तो उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक कर लेने के बाद आपको गेट वेरीफाइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए गेट वेरीफाइड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे। गेट वेरीफाइड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने के लिए बोलेगा। अगर आप इंडिया से हो तो फिर इंडिया कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। और ये देखो गेट स्टेप वेरीफाइड अकाउंट इन अबाउट 7 मिनट, 7 मिनट के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया रहा है, जैसे कि आपको एक पर्सनल रिपोर्ट जो कि हमने सबसे पहले कर लिया था। उसके बाद गवर्नमेंट इशू आई डी, उसके बाद लाइवनेस चेक। तो इस सारा का सारा सिस्टम भी हो जाएगा। एक मिनट ध्यान से देखो इस वीडियो को। तो सबसे पहले चलते हैं अभी कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए कंट्री हम सबसे पहले सिलेक्ट करने दे। कंट्री यहाँ पे देख सकते कितना ज़्यादा आडोरना, अंगोलिया, अल्बेनिया, इतना सारा कंट्री आ रहा है हमें। चलिए हम इंडिया सिलेक्ट करने दे। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेलकम टू बाइनेंस, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे आपको नेम ऐड करने के लिए बोल रहा है। आपको आप नेम आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और ध्यान रखिए जिसी के नाम से भी अगर आप KYC करोगे तो उसी के नाम का आपको यहाँ पे ऐड करना है फुल नेम। जैसा कि मैं विजय कुमार स्वाइन हूँ, तो मैं भी यहाँ पे उसी नंबर नाम मेरा ऐड करूँगा जो नाम मेरा आधार कार्ड पे है और पासपोर्ट पे है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे जो मेरा नाम है वही उसी नाम को यहाँ पे लिखूँगा। तो आज मैं आपको और एक स्टेप यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपका एज अंडर 18 है, यानी कि अगर आप 18 साल से नीचे के हो, तो मेरा आपका यहाँ पे KYC किसी भी वक्त में नहीं हो सकता। KYC का नहीं हो सकता, तो इसलिए आप एक काम करो, आप सोचेंगे भाई क्या मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप अपने डैडी का, मम्मी का, या फिर भैया भाभी किसी टाइम में KYC मतलब
केवाईसी आपको अपडेट करना पड़ेगा यानी कि आपको फोन लेन की जगह आपके नाम की जगह यहाँ पे फोन लेन पे आपके मम्मी का मामा का दादा का जिस के नाम से पढ़ना चाहते हो उसके नाम का भी यहाँ पे डाल जाना है। तो उसके बाद अगर जो आपको यहाँ पे फिर से कॉर्पोरेशन करेंगे बोलेगा सीमाटीज और नेशनलिटी तो यहाँ पे फिर से इंडिया कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लीज फिल इन योर पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर का जहाँ पे मारना है ये मेन स्टेप्स यहाँ पे। इसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा, केवाईसी अपडेट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पैन कार्ड दे देना है और आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपका केवाईसी वेरीफाइड नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले से आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको हमें पैन कार्ड दे देना है। जिस भी नाम का फोन नेम ऐड किया हो मतलब डॉक्यूमेंट पर जिस नाम भी आप ऐड किया हो उसी के नाम से आपको हमें पैन कार्ड दे देना है। पैन कार्ड दे देने के बाद पैन कार्ड को इसके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड नंबर में आपको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद सिंपली आपको कुछ रिवर्ट नहीं करना है। आधार कार्ड नंबर ऑन करने के बाद आपको एक ओटीपी सेट नहीं आएगा। उसके बाद आप आराम से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर। तो गाइस वीडियो का सलाह मेरे कमेंट करके जरूर बता देना। आज के इस मैंने वीडियो बस इतना ही और ये वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल स्टेप में बताने के लिए कोशिश किया क्योंकि ये बाइनेंस पे जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन होता है अभी क्यू टेक्स वगैरह बाइनेंस काइट इतना ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे गाइस आप केवाईसी भी रिव्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा बंदे मेरे को मैसेज कर रहे थे। तो गाइस मैंने सोचा कि चलो ये वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पर। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम में जाओ फॉलो करो। और तबियत खराब होने के कारण अगर वॉइस में कुछ इसके साथ देना होगा तो फिर मैप करना। तो मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक स्टेट मिल जाएगी। वंदे मातरम।